राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल के जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल के जघन्य हत्याकांड के विरोध में आज छत्तीसगढ़ के समस्त व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन देते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। जहां आपको बता दें कि राजस्थान में जिस प्रकार से तालिबानी हत्याकांड कन्हैयालाल की गई है, इसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए समस्त व्यापारियों संघ ने छत्तीसगढ़ बंद करने का ऐलान किया और अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, जिससे गलियों में सन्नाटा छाया रहा और सड़कें वीरान दिखाई दिए। जहां 24 घंटे लोगों का आवागमन होता था, आज वही सड़कें वीरान नजर आती रही। जिन गलियों में लोगों की चहल पहल से गलियां गूंज उठती थी, आज उन्हीं गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद कराई है क्या? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले सभी हिंदू संगठन एक होकर राजस्थान के जो उदयपुर में निर्मम हत्या तालिबानी सोच वाले लोगों के द्वारा किया, इसके विरोध में आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज उसी तर्क में हमारे जहांगीर नैला से नैला गायत्री मंदिर से होते हुए हम कचहरी चौक तक उसका समापन किए हैं, जिसमें हमारे सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी बंधु हिंदू संगठन के सभी लोग एकत्र होकर सभी से आह्वान किए कि आज एक दिन का बंद करने का आह्वान किए थे, जो सफल रहा। और हमारे सभी संगठनों को आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस प्रकार की सहयोग दिया। और देश के उच्च हमारे राष्ट्रपति महोदय से और देश के सरकार से और राजस्थान के सरकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ऐसे तालिबानी वाले सोच वाले लोग जो दो लोगों ने हत्या की है, उसको फांसी की सजा दें, यही हम सबकी मांग है। धन्यवाद। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, सीजी विजन टीवी।